हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विक क्रियोप्टिज्म। फ्लूड मैकेनिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायनेमिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो में हम लोग पढ़ते क्या है। तो डायनेमिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो में बेसिकली हम लोग फ्लूड के मोशन पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फ्लूड जो होता है उस पर कौन कौन सा बहुत सारा फोर्स लगता है, उसमें से ये इसका ग्रेविटी फोर्स लगता है, फिर प्रेशर फोर्स लगता है, विस्कोसिटी के कारण कोई फोर्स लगता है। तो ये वेरियस टाइप्स का जो फोर्स होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं डायनेमिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो में। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी फ्लूड के मोशन को कंसीडर करेंगे तो उसमें जो फ्लूड होगा हमारा वो इनकॉम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूड होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके इक्वेशन ऑफ मोशन का, फ्लूड जो फ्लो हो रहा है उसका उसके मोशन का इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं। तो जैसा कि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो उसका जो नेट फोर्स एफेक्ट्स होगा, उस किसी एलिमेंट पे जो नेट फोर्स एफेक्ट्स लगेगा वो मास इनटू एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग वो इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा एफेक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे फ्लूड फ्लो में कौन कौन से फोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रेविटी फोर्स, उसके बाद हमारा प्रेशर फोर्स, फिर हमारा होता है फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फिर आता है फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, उसके बाद हमारा आखिरी जो फोर्स है वो है फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। तो अभी इन सभी फोर्सेस से हम लोग नेट फोर्स से इन सब फोर्सों को इक्वेट करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ऐसा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स कॉम्पोनेंट, फिर एफ पी का एक्स कॉम्पोनेंट, फिर हो जाएगा एफ बी का एक्स कॉम्पोनेंट, एफ टी का एक्स कॉम्पोनेंट और एफ सी का एक्स कॉम्पोनेंट। तो अब सबसे पहले जो हमारा कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं वो कि है कि फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि एफ सी जो है वो नेग्लिजिबल होगा। तो इस केस में हमारा एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ बी एक्स प्लस एफ टी एक्स। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया इसे हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यह देख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग सारा फोर्स कंसीडर किया था उसमें से अगर हम लोग ने ये फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को अगर हटा दिया जाए या उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा एक डायरेक्शन में उसको हम लोग कहेंगे रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो हमारा पहले का जो एक्सप्रेशन था ये नेट फोर्स जो हम लोगों ने निकाला था उसमें से नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहा जाता है कि उसमें अगर एफ सी पहले हम लोग ने नेग्लिजिबल कर दिया यानी कि फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को नेग्लिजिबल कर दिया उसको हम लोग रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। तो रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन में से अगर एफ टी को भी नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग कहेंगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो हम लोग अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहें, अगर हमारा जो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल है और ये एफ टी उस पर नेग्लिजिबल अगर कर दिया जाए तो हमारा जो फ्लूड का इक्वेशन हो जाएगा फोर्स फ्लूड फोर्स का उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन आया है किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी इंटू एक्स एफ जी का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस एफ पी का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस एफ बी का एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि ग्रेविटी फोर्स जो लग रहा है उसका एक्स कॉम्पोनेंट, फिर प्रेशर फोर्स जो लग रहा है उसका एक्स कॉम्पोनेंट और विस्कस फोर्स लग रहा है उसका एक्स कॉम्पोनेंट। तो ये जो इक्वेशन हमारा आ रहा है इसको हम लोग नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहेंगे। इसके बाद हमारा है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम लोग कोई आइडियल फ्लूड को कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें हमारा विस्कस फोर्स हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो उससे हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम लोग इसका डिटेल पढ़ते हैं और इसमें हम लोग इसका यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं कि किस इक्वेशन को हम लोग यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। तो हम लोग जैसा पहले देखे हैं कि इसमें जो विस्कस फ्लो होता है मतलब ये विस्कस फोर्स जो होता है वो हम लोग इसमें जीरो लेते हैं, तो इसमें ये वह इक्वेशन है मोशन यह वह इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें कि हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रीम लाइन कंसीडर करते हैं जिसका एस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम लोग वेरियस जो फोर्स इस पे लग रहे हैं इस फ्लूड एलिमेंट पे जो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो फ्लूड एलिमेंट लिया इस पर जो वेरियस फोर्स लग रहे हैं उसको अब हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। सबसे पहले हम इस पर ये प्रेशर फोर्स जो लग रहा है इसके दोनों फेसेस पे उसको शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फोर्स लग रहा है वो है
पी डी ए इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे शो कर दिया। जो पी डी ए है वो फ्लो के डायरेक्शन ऑफ फ्लूड एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो पी डी ए हो गया। तो इसी के अपोजिट जो एक और फेस है उस फेस पे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक और प्रेशर फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए। तो यहाँ पर हम लोग जो फ्लूड कंसिडर कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको हम लोगों ने डी ए कंसिडर किया है, और इसका जो लेंथ है उसको डी एस कंसिडर किया है। तो इसमें जो चेंज आएगा तो उसके कारण वहाँ पर प्रेशर में कुछ डिफरेंट प्रेशर रहेगा। तो उस प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस और होल का इंटू डी ए। तो ये हमारा प्रेशर फोर्स आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा है कि इस पे एक और फोर्स हमारा लग रहा है, वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो तो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो उसको अब हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। तो हमारा जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो थीटा एंगल पर लग रहा है, और उसका जो वैल्यू है वो है रो जी डी ए इंटू डी एस। तो हम लोग जानते हैं वेट एम जी होता है, तो एम का वैल्यू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो ये फ्लूड एलिमेंट हम लोग कंसिडर किया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए है और लेंथ डी एस है, तो इसका वॉल्यूम डी ए इंटू डी एस हो जाएगा। तो हमारा जो वेट फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रहा है, वो रो जी इंटू डी ए इंटू डी एस हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा स्ट्रीम लाइन जो फ्लो हो रहा है उससे जो एंगल है वो इसका थीटा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डी एस का भी एक इक्वेशन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एस और डी जेड के टर्म में। तो उसको अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो हम इस टाइप से कंसीडर करें तो डी जेड डायरेक्शन से डी एस का जो एंगल है वो थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एस हो जाएगा। तो अब हम लोग ये जो हमारा फ्लूड एलिमेंट पर जितना फोर्स लग रहा है इसको हम लोग नेट फोर्स से इक्वेट करते हैं। जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा था एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन से ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन अब हम लोग फाइंड लिखते हैं यहाँ पर। हमारा एफ नेट जो होगा एस डायरेक्शन में वो एम इंटू ए एस डायरेक्शन के बराबर होगा। हमारा इस पर जो जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स है वो है पी डी ए। उसके बाद इसी फ्लूड एलिमेंट पे एक और फोर्स लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसका वैल्यू पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए है। इसके बाद हमारा निगेटिव डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है जो कि वेट के कारण है, उसको हम लोग यहाँ मेंशन कर। तो हमारा वो जो फोर्स है वो हो जाएगा रोजी डी ए डी एस कॉस थीटा। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये एम इंटू ए एस के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ नोट आउट करते हैं। तो ए एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा ए एस लिखेंगे, और एम जो है एम का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रोजी इंटू डी ए इंटू डी एस, सॉरी रो इंटू डी ए इंटू डी एस। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया यही इसी इक्वेशन में अब हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो एस डायरेक्शन में हम लोगों ने दिया है। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और एस के टर्म में हम लोग इसको ब्रेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ए एस इज इक्वल टू डी वी बाई टी हो जाएगा, तो भी जो है वो एस और टी का फंक्शन है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख वी डी वी अपॉन डी एस प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये जो हमारा ए एस आ रहा है उसका वैल्यू आ रहा है वी डी वी अपॉन डी एस प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। तो अब हम लोग जो यहाँ पे फ्लो कंसीडर कर रहे हैं वो स्टेडी फ्लो है। तो स्टेडी फ्लो के इसमें डी वी अपॉन डी टी का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो हमारा जो यहाँ एक्सप्रेशन आ गया वो हो गया ए एस इज इक्वल टू वी डेल वी अपॉन डेल एस। तो इस वैल्यू को हम लोग पहले जो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट किया था एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के फॉर्म में, तो उसमें हम लोग ए एस का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए, ये निगेटिव साइन के साथ, माइनस रो जी डी ए इंटू डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू रो डी ए डी एस वी डी वी अपॉन डी एस। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं डी एस इंटू डी ए हर एक तीनों टर्म में है, तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एस होता है, उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा डी पी अपॉन डी एस प्लस रो जी इंटू डी जेड अपॉन डी एस प्लस रो वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। तो हम लोग देख रहे हैं सब टर्म में नीचे में डी एस है, तो डी एस को जीरो से हम लोग जीरो में हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो डी एस का टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग रो से इस पूरे टर्म को डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डी पी अपॉन रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल टू जीरो।
तो ये जो हमारा इक्वेशन आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं ईलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम अपने अगले जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे, और उसमें हम लोग बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। हैव अ गुड डे।